भाई इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखो एक मेटल बॉल और एक फदर को 30 मीटर की हाइट से छोड़ा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटल बॉल पहले आके गिर जाएगा क्योंकि उसका एमजी ज्यादा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस दोनों पे सेम ही लग रहे हैं। लेकिन यही काम जब चैम्बर को बंद करके उसके अंदर की सारी हवा निकाल के उसको वैक्यूम में क्रिएट किया जाता है, तब जब उस मेटेलिक बॉल और फदर को एक साथ छोड़ा जाता है तो दोनों एक साथ ही नीचे आते हैं। लेकिन कैसे, तुम लोग कुछ कहो तो उससे पहले मेरी पूरी बात सुन लो कि ओपन चैम्बर में जब दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है तो मेटेलिक बॉल पहले नीचे आ जाता है, और वहीं जब ये वैक्यूम में दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है तो दोनों एक साथ ही नीचे आते हैं। वैक्यूम में तो एयर रेजिस्टेंस का कोई चक्कर नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों की स्पीड इक्वल बढ़नी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि फदर की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जा रही है कि वो बॉल के साथ गिर रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एयर रेजिस्टेंस ना होने के कारण एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है और दूसरे की स्पीड बढ़ ही नहीं रही है? लेकिन होना तो ये चाहिए था कि बॉल की स्पीड और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए थी वैक्यूम, क्योंकि उस पे भी तो अब एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास